भाई लोग पूछते रहते हैं आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। जी हम यही रहते हैं, पालम में रहते हैं। बड़ा डेड सा हो गया यार, काफी टाइम बाद आया मैं। चार उंगली तीन उंगली का हिसाब चल रहा है यहाँ पे ऐसे करके। मैं भाई मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, क्यों दुखी हो रहा है। और हाँ जी कैसा लगा भाई? काफी सही लगी है आगे से तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम हैं रूसे राई और अब रूसे राई आ चुके हैं दिल्ली में। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अपनी गैंगस्टर विलार को दिल्ली में रिसीव कर लिया है। विलार इस समय महेंद्रगढ़ खड़ी है राहुल भाई के पास और हम यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में अपनी अगली प्लानिंग करने के लिए। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सबको ना थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। मतलब तीन महीने पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हम लोग यूट्यूब करेंगे नहीं करेंगे। हम दो साल से लड़ाई कर रहे थे कि यूट्यूब करें कि ना करें, बट अब लगता है करना चाहिए भाई साहब। 40,000 सब्सक्राइबर्स है हमारे, 40,000 की फैमिली है हमारी, रूसेराई कम्युनिटी ग्रोइंग एवरी डे। सो अब क्या करें भाई, अगला स्टेप। कई सवाल जवाब आ चुके कि अब आप आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। तो भाई साहब बताएं हम आगे करेंगे क्या। तो भाई अब आगे जो हमारा विचार बन रहा है वो है पूरा का पूरा हमारा इंडिया घूमने का, ऊपर ले लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक और साइड में गुजरात से लेकर अरुणाचल तक सारा का सारा घूमेंगे। मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है टू बी वेरी फ्रैंक। अभी तक जितने भी लोग हैं भाई वो बढ़िया बढ़िया जगहों पे जाते हैं बट इट्स स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। तो हम भी वो चीज़ करना चाहते हैं कि हम उस इंडिया को घूमना चाहते हैं। मतलब इंडिया देखा नहीं है अभी तक, हमने ही नहीं देखा यार इंडिया। 8 साल पहले मैं कनाडा चला गया था, उससे पहले कॉलेज और ये ऑफिस और जो हमारा स्कूल टाइम था तो नहीं मिला टाइम। अब वो टाइम है जिसमें मेरे को पूरा का पूरा इंडिया देखना है। भाई ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जगहें देख रखी है, मैंने नहीं देखी हुई, तो मैं काफ़ी मतलब उत्साहित हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि अपना इंडिया दिखता कैसा है, आखिर में है क्या, क्या क्या अलग अलग कल्चर है। लोग बोलते तो हैं कि हर 15-20 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कल्चर चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है और साथ ही साथ पहनावा भी चेंज हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है भाई, बहुत कुछ है इंडिया में देखने के लिए। और इस ट्रिप को हमने जो नाम दिया है वो दिया है भारत भ्रमण। तो अब भारत भ्रमण में आप लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ के हमारे को अपनी इनपुट्स भी दें कि यार आप अगर इधर जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें देखो। तो नीचे कमेंट में भी लिख के बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे को हमारी आइटनरी में डालनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्लूइड रखेंगे ट्रिप को थोड़ा सा। यार तुम्हें पता है जैसे घूमते फिरते आए हैं वैसे ही आएंगे, वैसे ही जाएंगे। हमने बहुत सारे कनाडा टू इंडिया वाली रोड ट्रिप का मैप नहीं फॉलो करा तो इंडिया का तो कहाँ से ही कर लेंगे। वही तो मैप नहीं है, भारत का नक्शा है भाई, पूरा इंडिया का नक्शा है, उसके हिसाब से चलेंगे आगे की तरफ। जहाँ विचार बनेगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ हमारा घूमने का होगा और जितने दिन लगाने होंगे, क्योंकि जब हम भारत देश घूम रहे थे तो वहाँ पे तो वीज़ास की प्रॉब्लम थी कि भाई इतने दिन का ही आपको वीज़ा है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, जहाँ पर जितना टाइम लगेगा उतना लगाएंगे, बढ़िया तरीके से घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे अपने यूनिक रूसे राही के स्टाइल में। और इस ट्रिप के लिए हमने चूज़ करी अपनी 2019 महिंद्रा थार, इंडियन गाड़ी इंडियन सड़कों पे, वाह वाह, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। 2019 क्यों वो थोड़ी ही देर में बताते हैं। तो यार भाई तो गया गाड़ी लेने बाहर निकालने और भाई घर में थोड़ी सी सफाई वफाई हो रही है, वही है दिवाली की सफाई है और थोड़ी सी सफ़ेदी वफेदी हो रही है। ये रहा भाई दीवानचू का घर और ये रही भाई अपनी महिंद्रा थार। तो यार ऐसी लंबी ट्रिप के लिए थार से बेहतर गाड़ी और कोई नहीं हो सकती। और 2019 क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप थी वो थी 2020 में स्केड्यूल, 2019 में आके मैंने गाड़ी परचेज करी थी। और गाड़ी परचेज करके मेरा यही विचार था कि मैं जब अगली बार आऊंगा तो मैं इसी गाड़ी में अपनी आगे की इंडिया की रोड ट्रिप करूंगा, क्योंकि भाई उस समय यही बात थी और आज भी भाई यही बात है। हाँ वो थोड़ी सी मॉडर्न कर दी है, थोड़ी सी बेटर वो सस्पेंशन दे दिए भाई, उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आया, इट्स अ वेरी वंडरफुल कार। हो सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में ले भी ले, बट अभी के लिए यही है, इसी में करेंगे भारत भ्रमण। एंड अभी जा रहे हैं गाड़ी पे थोड़ा सा रैप वैप करवाने के लिए, रैप करवाते हैं थोड़ी सी गाड़ी को और स्पैंकी बनाते हैं, थोड़ी सी लाउड बनाते हैं, थोड़ी सी वोकल बनाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हौस खास की तरफ। सही बात है भाई, लोगों को पता चले रूस राई वालों की गाड़ी आ गई। दोस्तों अभी अंडरपास से निकले भाई, द्वारका वाला अंडरपास है, धोलाकुआ की तरफ रास्ता जाता है, फिर वहां से आगे से यू टर्न लेके जाएगा ये अपना एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आगे निकलेगा महिपालपुर और अगर हम यहां से लेफ्ट लेके सीधा जाएंगे
तो भाई धौला कुआं, और उससे बीच में अगर राइट ले लेंगे तो भाई पड़ेगा आपका सत्यनिकेतन, उससे पहले पड़ेगा आरआर, उससे पहले पड़ेगा एयरफोर्स कॉलोनी। सारी बता देगा अजय, गूगल मैप्स का फायदा क्या है जब तू ही सारा का सारा मैप बता देगा। इतनी खुशी हो रही है, अपने घर वापस आके सारी बताऊंगा कितना घूम है। भाई लोग पूछते रहते हैं आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। जी हम यही रहते हैं, पालम में रहते हैं। यही पले बड़े भाई साहब, यही अपनी गलियां है भाई। इन्हीं गलियों में पहले साइकिल, फिर बाइकें, फिर स्कूटियां, फिर गाड़ियां। हवाई जहाज चलाने का मौका मिला नहीं वो भाई साहब, वो भी चला वो भाई साहब को तो बड़ा जिए कि हवाई जहाज चलाने का मौका मिले। तो बढ़िया यार, यहाँ से हाउस का उसका रास्ता रह गया मेरे, कितना 17 मिनट रह गया। ट्रैफिक तो पाओगा ही पाओगा, तने बेरा ही है दिल्ली ट्रैफिक और साथ साथ चले। दिल्ली में तीन चीजें बहुत मशहूर भाई, एक दिल्ली का खाना, एक दिल्ली का ट्रैफिक, और तीसरे रूस से राय। फाइनली आ चुके हैं, ये सब सारा ताम झाम है जो लगना है, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा यहाँ पे, 2 से 3 घंटे। जुनैद भाई ने बोला कि तुम यहाँ से जाओ भाई, तुम्हें सरप्राइज़ देंगे, गाड़ी जब आओगे तो चेंज ही मिलेगी। तो ठीक है भाई, अब इनको इनका काम करने देते हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा हौसकास की मार्केट वगैरह घूमते हैं और आते हैं वापस 2 से 2.5 घंटे में। यार अब 2-3 घंटे का टाइम था किल करने के लिए, तो भाई हौसकास विलेज से ज़्यादा कहीं जाएँ, बड़ा डेड सा हो गया यार, काफ़ी टाइम बाद आया मैं तो। या फिर दिन हो रहा है, मे बी इस वजह से ऐसा हो रहा है। फ्राइडे है भाई, फ्राइडे है। हाँ वैसे अभी तो दोपहर है, अभी तो लोग आने वाने शुरू होंगे, तो चलते हैं यार अंदर की तरफ कहीं पे जा वाके। अरे अब जाके थोड़ी सी चकाचौंध सी दिखनी शुरू हुई है, थोड़ी सी चकाचौंध अब दिखनी शुरू हुई है भाई। तो चलो कहीं बैठते हैं, कुछ खाया पिया जाए, क्यों। तो जो मेजरमेंट होते हैं उसके लिए मेजरमेंट टेप की जरूरत थोड़ी होती है, उंगलियों से काम बन जाता है भाई। 4 उंगली 3 उंगली का हिसाब चल रहा है यहाँ पे ऐसे करके। ये देखो ये भी ऐसे ही करके नापी गई थी। नाप भाई जल्दी जल्दी नाप। होगी भाई कितनी उंगलियाँ, थोड़ा नीचे आएगा। हाँ तो भाई देख लो, मेजरमेंट थोड़ी सी अप एंड डाउन हो गई है, तो दोबारा से लगेगा ये यहाँ पे बस, और अभी अंडर प्रोसेस ही है। ठीक है। तो यार शाम के बज गए 7 और अब इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, लास्ट के कुछ फिनिशेस रह चुके हैं गाड़ी पे करने, वो भी हो ही जाएंगे। और गाड़ी आपको सुबह आराम से तसल्ली से दिखाएंगे सनलाइट में। भाई रैपस्टर के पास आए हैं, जुनैद भाई एक नंबर काम किया है और भाई मज़ा आ गया। और जब तक वो रैप वैप लगा रहे थे, अपन थोड़ा हौसकास वौसकास भी घूमाए। अब भाई गाड़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है तैयार, अब चलते हैं अपने घर की तरफ, बैग वैग पैक करते हैं और भाई शुरू करते हैं अपना भारत भ्रमण बाय रूस से राही। तो भाई वरुण ने तो तुम्हारे को रैप वगैरह दिखाया नहीं, बट मैं ही दिखा दूँ। ये साइड में अपना रूस ए राही का लोगो है, ऊपर भाई प्रॉपर भारत भ्रमण और नीचे बीच में हमारा इंडिया का मैप है बाय रूस ए राही। तो ये ट्रिप हम प्रॉपर पूरा का पूरा भारत घूमेंगे। इस समय जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ये जो है हमारी जो बोनट है वो ढंग से अलाइन नहीं हो रहा, तो यहीं पास में एक वर्कशॉप है वहाँ जाएंगे। साइड में थोड़ी सी ये कलाकारी करी है जुनैद भाई ने, और पीछे हमारा लग गया है भाई जो हमने अभी तक अचीव करा है। तो कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप सबसे पहले बंदे, हमने ये पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब हम करेंगे पूरे के पूरे इंडिया की ट्रिप। पूरी पूरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेसिक रखी हुई है हमने, कि कोई मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई ये गाड़ी भाई मेरे पिताजी चलाया करते थे। मतलब इसमें जो रेडियो सिस्टम है वो भी मैंने अब जाके लगाया है। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर पर ही अपनी वर्कशॉप है जहाँ पर हमारा बोनट सेट हो जाएगा, बोनट सेट कराते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं अपने भारत भ्रमण पर। भारत भ्रमण की जो पहली डेस्टिनेशन है वो हम आपको बताएंगे अपने अगले ब्लॉग में, तो साथ बनाए रखें दोस्तों। भाई यही वाला नट था जो नहीं खुल रहा था, अब देखते हैं वाला खुलता है कि नहीं। भाई लगे हुए हैं इसमें, अरे खुल गया है, तो खुल भी गया वो भी करना लो। बहुत ही तो बढ़िया, अभी फटाफट यहाँ से कसवाते हैं इसको, फुल पैकअप कराते हैं और चलते हैं घर की तरफ। भाई फाइनली नट वट कस दिया, भाई है एकदम एक्सपर्ट, एक नंबर आदमी। अब ये भाई अपनी रेडियम वाली लाइट लगाएंगे यहाँ पे, और अभी बोनट वोनट उठा के देखते हैं कि सारी चीज़ें पैकअप है कि नहीं। ये रहा भाई अपना सिंबल, वो रहा मैप, ये रहा अपना वॉक अराउंड। अब देखो तो पूरा स्कैन बोर्ड वगैरह लग चुका है, और अपना प्रॉपर कनाडा वाली जो ट्रिप हमने करी वो हमारा पीछे प्रॉपर सिंबल लगा हुआ है कि भाई ये है हम रूस से राही। अब भाई फटाफट यहाँ से चलेंगे अपने घर की तरफ, आराम से पैकिंग वैकिंग करेंगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे और निकलेंगे भाई अपनी भारत भ्रमण सीरीज़ को शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अब दीवानशु देख लो लगा हुआ है, चेक वैक कर रहा है कि तरीके से सारी चीज़ है कि नहीं। अब टेप लगाई जाएगी भाई इस पर, ये वाली अपनी ये रेडियम वाली लाइट्स, इस पर डबल टेप लगा के इसको चिपकाएंगे ताकि फटाक देसी चल सके घर की तरफ। भाई बोनट तो फिक्स करा लिया, अब बज रहे हैं 8।
तो फटाफट यहाँ से इसको लाइट वाइट को भी फिक्स कराएं अपना और चले भाई घर की तरफ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8 बजे सोचा था निकलने का, लेकिन वही वाली बात है भाई, जब काम होता है तो थोड़ा सा डिले होता है। 4 बजे से बजे 8, अब 8 से बजे 10 और उसके बाद शायद मेरे हिसाब से 12-1 बजे के अराउंड हम रोड पे होंगे फाइनली। अपने घर जाके पैकिंग वैकिंग भी करनी है भाई, पैकिंग भी नहीं करी है, तो चलो कोई नहीं, अभी पहले इसको सुलझाते हैं। ये बहुत लंबी तार है भाई, इसको सुलझाना भी तो है, जी का जंजाल ही है, तो ठीक है कोई नहीं, ये लोग कर लेंगे अपने आप भाई, एक्सपर्ट लोग हैं, ये लोगों को सब आता, अपन लोग मारेंगे चिल। देखो भाई यहाँ पर मस्त इस टाइम पे थोड़ा मौसम ठीक हुआ, अभी तक तो गर्मी हो रही थी बहुत बुंडी, अब जाके ऐसा लग रहा है कि बाहर खड़ा हुआ जा सकता है, तो इसका मतलब सर्दियाँ आ रही हैं लेकिन धीरे धीरे, तो ठीक है भाई। देख रहे हो टीम एफर्ट में काम होता है भाई, जब जाके लगती है गाड़ी में सारी चीज़ें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया बट स्टिल एनर्जी लो हो गई है, फुल पावर करने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा भाई, अब कुछ खाए पिए घर जाएं यार, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लें। हो गया भाई, ये भाई शायद उल्टा लगा क्या? अभी तो ये भी नहीं पता भाई, सीधा लगाया उल्टा लगाया, थोड़े से पायलट वायलट थोड़े कमज़ोर हैं अपने भाई लोग, तो कोई बात नहीं भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल भाई कोई और काम नहीं है अपने पास, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने को ट्रिप शुरू करनी है। कोई वाली बात है, ट्रिप थोड़ी सी डिले हो गई है तो लेट्स सी अब रात को किस टाइम से निकलेंगे, उस हिसाब से अब देखते हैं डिनर शिनर कहाँ किया जाए। अच्छा हो गया भाई, कुछ सीधा उल्टा कुछ नहीं, जैसा लगा लगा दिया, दीवान चंद कर दिया पैक, बोला हो गया बस बहुत ज़्यादा, अब चलो अपने घर की तरफ, तो अब इनके पैसे वैसे दें भाई और यहाँ से चला जाए। एज एक्सपेक्टेड भाई, इन लोगों को असली जगह नहीं पता, रबड़ लगती कहाँ पर है, तो वही वाली बात है भाई, इनका कौन सा रोज का काम है भाई। मैं तो उसकी बात करो, तू क्यों दुखी हो रहा है, और वैसे तेरे को आनी चाहिए भाई, तू अपने आपको मैकेनिक बोल ले, निकाली नहीं भाई। हाँ वैसे लगनी उधर ही चाहिए जहाँ तुम लगा रहे हो, चलो कोई नहीं, लगा रहे ना भाई, मैं लाइट दिखा रहा तुमको फुल पावर। अरे ये सब नहीं करते हम, ऐसे ही लगा के देखते हैं सीधा। अरे पागल है क्या तू, यही लगेगा। चलो भाई इनको तो गूगल करके ही बताना पड़ेगा इनका क्या सिस्टम है, इनकी मदद करनी ही पड़ेगी हमें भाई। फाइनली सारा काम हो चुका है और भाई तो फुल मैप को निहार रहा है कि भाई बढ़िया लग रहा है, पूरा पूरा नकाशी एक नंबर करी है भाई जुनैद भाई ने, एक नंबर। बस एक ही बात होगी कि घना टाइम ला दिया भाई, ईब घर जाएंगे अब घर वाले कहेंगे यार इतनी रात में मत निकलो दिन में जाओ, अब यार उनको क्या पता कि हम तो नाइट राइडर हैं, चलो जाके उनको पहले उनको समझाएंगे, पैकिंग करेंगे, फिर अपने एक भाई से मिलना है उससे मिलेंगे, फिर दूसरे भाई से मिलना है उससे मिलेंगे, फिर कहीं जाके शुरू होगा भारत भ्रमण। तो ठीक है भाई, जुनैद भाई थैंक यू, थैंक यू, वेलकम भाई, थैंक यू, आप लोग ने भी हमसे काम करवाया और डेफिनेटली बाकी लोग भी शायद इंस्पायर होके कनाडा से हमारे पास आएंगे, हमसे काम करवाएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे, हाई कोर्ट तक पहुंचाएंगे भाई। भाई फाइनली 8:40 हो रहे हैं और अब जाके हुए हैं हम फ्री। हमें बोला गया था भाई 4:40 तक काम पूरा जाएगा, डॉट 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन इट वाज वर्थ एवरी सेकंड। प्रॉपर तरीके से सारा काम हुआ है, गाड़ी पे प्रॉपर रैप हुआ है, सारी चीज़ें तरीके से बनाई गई हैं। अभी तो वही वाली बात है कि भाई लाइट शाइट है नहीं तो आपको ढंग से दिखा नहीं पाएंगे, और गाड़ी तो हमारे पास ही है, हम ही तो हैं रूसे भाई, आपको दिखाते रहेंगे कल दिन में आराम से, धो धा के चमका के दीवानचू आपको दिखाएगा गाड़ी। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि अब हो गए बाबा बहुत थकावट, अब जाके थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं, चेंज वेंज करते हैं, नहाया धोई करें और भाई अपने कपड़े लत्ते चेंज वेंज करके डालें, पैक वैक करें और निकलें भाई अपने भारत भ्रमण पे। तीसरी बार कह रहा हूँ भाई, जा एक बार नहीं रहा तो चलो इस बार पक्का चलते हैं। अरे भाई चल, तेरे को वो दिन याद है जब थोड़ा सा कम ट्रैफिक हुआ करता था दिल्ली में? भाई ऐसे कभी दिन आए रात को ही कम ट्रैफिक होता है वो भी 12 बजे के बाद, और वो भी किसी किसी जगहों पे। ये जो एरिया है एम्स वाला एरिया, ये तो हमेशा ही ऐसा ही रहता है। तेरे को याद हो भी आओ, अरुण भैया और गगन भी आया करते थे भाई यहाँ से लाजपत से अपने क्या कहते हैं अपने पालम की तरफ, भाई बताते 21-20 मिनट में आया करते थे जब रात हुआ करती थी, तो एक दिन मैं 17 में आ गया, बोले कि तू उड़ता उड़ता आ गया। मैं भाई साहब जिंदगी में बहुत ही कम टाइम होता है जब आपको दिल्ली की रोड खाली मिलती है, नहीं तो आपको तो टाइमर भी लाल दिखता है कि 19 किलोमीटर 49 मिनट का रास्ता, मतलब ये तो बहुत अच्छा टाइम है भाई। अभी थोड़ी देर पहले निकले होते ना अगर और थोड़े पी कार्स में, तो ये अपने को पड़ता 1.5 घंटा।
हाँ ये तो है भाई, ये तो है, पर बहुत ट्रैफिक है यार. वही है. चलो दिल्ली का ट्रैफिक तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, आप किसी भी टाइम पर निकलो आपको दिल्ली का ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, बट कल से हमको नहीं मिलेगा. हम उम्मीद दिल्ली में भाई साहब, दिल्ली से एग्जिट फ्रॉम दिल्ली. वही बात है भाई, बस दिल्ली में एक ट्रैफिक का ही तो प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक ऐसे, वरना दिल्ली तो वाइब है अपने आप में ही. एक दिल्ली अभी देखियो, आज के आज फ्राइडे हो गया ना, आज तो आज और कल तो जगमग जगमग ही रहेगी. वाइब होनी शुरू हो चुकी है भाई ऑलरेडी, आधी आधी से ज्यादा जगहों पे तो वाइब हो चुकी है. भाई तेल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था गाड़ी में, तो 3800 रुपए का तेल डलवाया ताकि आराम से निकले चैन से सुबह सुबह तड़की तड़की, मेरे साथ 3:30-4 बजे से निकल जाएंगे. और भाई ताकि फिर सुबह सुबह ना आना पड़े. यहाँ पर नाइट्रोजन वाला नहीं था भाई, नाइट्रोजन वाला बंदा नहीं था डालने वाला. अच्छा. दे हैव अ स्पेसिफिक बंदा फॉर नाइट्रोजन, तो ठीक है कोई नहीं, फिर रस्ते से कहीं से डलवा लेंगे भाई. अभी तो पूरी पूरी है. चले भाई अब थोड़ा सा दिन खत्म करे, थोड़ा 2-3 घंटे रहे इसलिए. घर फाइनली अब घर पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी लेकर आए हैं भाई. घर वालों को गाड़ी दिखा रहे हैं कि कैसी लग रही है. आंटी से पूछते हैं, तरुण से पूछते हैं, भाई कैसी लगी. हां जी कैसा लगा भाई, काफी सही लग रही है आगे से तो, मगर पीछे वाला अच्छा नहीं समझ में आ रहा है. हां वो थोड़ा किडिश सा हो गया थोड़ा सा ना, मतलब उसको बोला वो इतना ज्यादा बेसिक है जितना बेसिक LKG UKG होती है. कोई नहीं करा देंगे ठीक. वहां छोटा ये कंपास है, एक छोटा सा यहां पे जी. छोटे प्रधान जी कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है, पर लेकिन साइड का थोड़ा ना वो लग रहा है. सबकी कंप्लेंट साइड लग रहा है, बढ़िया लग रहा है. ये तो भाई ये भी ठीक लग रहा है. ये तो भाई वही है, MS धोनी के साइन है. एम लगा दो यहाँ पे, तो एक ए हटा दो. गाड़ी वाड़ी साफ करा देंगे बढ़िया से, एकदम शाइन मरवाएंगे इस पे. yes. आगे से तो बढ़िया लग रही है, साइड से आई नो कि थोड़ी सी किडिश हो गई है. कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी बोल दिया उसको, हमको खुद को नहीं पसंद आई, उस बंदे को खुद को नहीं पसंद आई भाई लगाने के बाद. तेरे को पता तो उसने प्रिंट कैसे कर दी? अरे तो उसके समझ में नहीं आई ना. तो चलो अरे वो हो जाएगा ठीक है. उसका नाम है रैपस्टर. अंकल फोटो खींच रहे, अंकल को लगता है फ्रंट पसंद आ गया. पापा को अच्छा लग रहा है. कैसा लग रहा है? बढ़िया. उसके बाद अगर हम इसको गाड़ी को लेके कहीं और चले गए तो शायद इसको चेंज करा ले, बट अभी के लिए ऐसे. तो उसमें क्या चेंज है? भारत वर्मन के आगे बाबा इसको गाड़ी चेंज करवाने की बात हो रही. गाड़ी भी तो चेंज होनी चाहिए. गाड़ी क्या चेंज होनी? गाड़ी चेंज करवा के लेके आ रहा. अब गाड़ी यही रखेंगे हम, पापा ने बोल दिया बस. ये तो नई वाली नहीं, नई वाली और ले लेंगे. ये बात तो है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस है. करो इस ब्लॉग को खत्म. तो भाई ठीक है भाई, घर वालों को दिखा दिया, घर वालों ने अप्रूव कर दिया मैप. पीछे वाला थोड़ा सा क्रिंजी सा लग रहा है, ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा क्रिंजी तो नहीं कह सकते, चाइल्डिश सा लग रहा है. उसको चेंज करा लेंगे. रैपस्टर से बात कर ली है. अब इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में. टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू. कल से हो रहा है भारत भ्रमण शुरू, अब मिलते हैं आपसे रोड पे. बाय.